पर भिंड जिले से जहां कनावर गांव में महाराणा प्रताप ग्रुप के द्वारा दहेज प्रथा खत्म करने का एक प्रथम समारोह रखा गया। ये समारोह शिव प्रकाश सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन पर काली माता मंदिर में रखा गया। कार्यक्रम का संचालन जीतू चौहान ने किया। इस अवसर पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने अपना अपना सहयोग प्रदान कर विचार रखे। रॉबिन परिहार ने 1,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा तो वही टीपी जादौर ने दहेज बहिष्कार करने की बात कही। धर्मेंद्र तोमर ने कहा कि समाज में फैली कुरोतियों पर खर्च करने से बेहतर है कि ये खर्च शिक्षा पर होना चाहिए। बता दें कि महाराणा प्रताप ग्रुप की ओर से गरीब कन्याओं की शादी के लिए 21,000 रुपए का सहयोग भी प्रदान किया गया। समारोह के अंत में महाराणा प्रताप ग्रुप के द्वारा बच्चों को स्टेशनरी का सामान भी वितरित किया गया। बेचारे को सलवार कुर्ता पहना दिया गया इसी वजह से, लेकिन एक भ्रष्टाचार की बात आज तक किसी बाबा ने नहीं की होगी, सिर्फ उसके लिए मैं कहने आया और उसे मैं कहता हूं धार्मिक भ्रष्टाचार। इस पर कभी विचार किया आपने? अभी मैं देव मंदिर गया था, इस भारतवर्ष का पहला एक सूर्य मंदिर है जिसे वैश्य राजाओं ने आज से 1900 साल पहले बनाया। पूरा बिहार झारखंड आज भी सूर्य पूजा को ही सबसे बड़ी पूजा मानता है। मेला लग गया। खबर मेरठ से, जहां प्रतापपुर शताब्दी नगर में तकरीबन 1 दर्जन किसान पानी की टंकी पर चढ़ गए। इनमें एक महिला भी शामिल है। दरअसल भाकियों के किसानों का ये तरीका उनके धरने का हिस्सा है। शताब्दी नगर में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसान नई भूमि अधिग्रहण नीति के अनुसार मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। यहां नजदीक ही बनी पानी की टंकी पर चढ़कर किसानों ने अपनी मांगे रखी। मैं आपका बुला के देखे। अच्छा, यहां पे जो धरने पे बैठे हो, क्यों बैठे हो आप? भैया इस धरती के मारे बैठे हैं, या धरती एम डी वाले जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं। अच्छा, कौन लोग कर रहे हैं? कौन एम डी वाले कर रहे हैं? कल जो धरने पे बैठे हुए थे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने तो कह दी जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं दिया, हम कुछ नहीं दे रहे। कुछ नहीं दिया उन्होंने। जब उन्होंने दे दिया तो उन्होंने कब्जा क्यों नहीं करा? संजय दोरालिया नाम है। यहाँ धरने पर बैठे हैं आप, क्या है पूरा मामला, किस लिए बैठे? 29 साल से हमारी लड़ाई चल रही है जमीन की। अधिग्रहण हुआ था 29 साल पहले और मुआवजे के लिए लड़ाई लड़े जा रही है हमारी। 5 साल 4 महीने से हम लड़ रहे हैं, धरना बराबर चल रहा है। हमारी कितनी बार वार्ता होली, अधिकारी हमें भगा के चले जा, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। अखिलेश सरकार हो या अब हमारे योगी जी सरकार है, सरकार तो चाह रही है पर जो यहाँ के अधिकारी, जिले का जो अधिकारी है, चाहे वो प्रशासन अधिकारी है चाहे वो एमडी अधिकारी है, वे घपलाबाजी करने के लिए नुकसान किसान को पहुँचाना चाह रहे हैं। अब जी नहीं दिया एमडीए ने, क्या एमडीए ने पैसा अभी पूरी तरह नहीं दिया, हमें भकाए रहे हमें तो दे दिया छोटा मोटा अधिग्रहण करके थोड़ा घना। हमारी ज़मीन पर कब्जा पूरा, हम आर पार के लिए बैठे आज यहाँ, आर पार करेंगे हम, ऐसे नहीं मानेंगे। बहुत मीटिंग होली और बहुत होली, हमारी कल भी मीटिंग होगी डीएम साहब से। डीएम साहब ने और जहाँ के जो एमडी अधिकारी थे उन्होंने कहा है कि ज़मीन हमारी, समझौता कर रखा आपने, समझौता जो भी समझौता ले रहे हैं हमारे से, वे हमारे अधिकारियों से भगा, हमारे जो किसान हैं उनसे भगा कर साइन करवा रखे, जो विरोधी हो गए या सब भका कर करें, जैसे भी डरा उरा कर रखे सैन, उस पर कुछ नहीं है हमारा, कोई मतलब नहीं उसका। हमारा हमारी ज़मीन है, ज़मीन जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा नई नीति से, जब तक हम ज़मीन नहीं देंगे, चाहे जान चली जाए पर ज़मीन नहीं देंगे। गाजियाबाद के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रात बदमाशों ने टोल प्लाजा कर्मचारियों से लूटपाट की और लाखों रुपए लूट लिए, जिसके बाद कर्मचारियों ने विरोध किया तो कर्मचारी को गोली मार दी गई। कर्मचारी के कंधे में गोली लगी है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल तमाम सुरक्षा कर्मी और टोल पर लगे कर्मचारी दहशत में हैं और डरे हुए हैं। आज रात लगभग 12:15 बजे रात को 2 अज्ञात बदमाशों ने हमारे एक कर्मचारी को गोली मार दी है और हमारा लगभग 1,00,000 रुपये लूट कर ले गए हैं। कैलाश उपाध्याय, दुआई टोल प्लाजा मैनेजर। चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सामने जन स्वास्थ्य रक्षकों ने बैठक की और कहा कि 12 जिलों की सूची अभी बाकी है, जैसे ही वह सूची चली जाएगी वैसे ही हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी।
हम लोग मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों से मिल रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही अगली सूची आएगी आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी। चंद्रमान यादव, प्रतिष्ठित ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। किस प्रकार की आज बैठक है? यह मासिक बैठक है जो कल 20 तारीख थी, हर 20 को रहती है, छुट्टी हो जाती है तो उसको दूसरे दिन किया जाता है। जैसे 21 तारीख को आज मीटिंग, कल रविवार था तो आज मीटिंग हुई। जी, तो क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो सर्वे रिपोर्टें से सरकार ने कराई थी, हम लोग गए थे लखनऊ, मंत्री जी से लेकर के निदेशक से लेकर हर लोग से वार्ताएं हुई और इसमें हम लोग मंत्री जी का प्रोग्राम भी लेने के लिए अपना मतलब विचार रख लिया है। मंत्री जी से प्रोग्राम भी मिल गया है, डेट नहीं रखा गया है और हम लोग का काम लमसम मान के चलिए कि फाइनल पे है। वो कहे थे कि मुख्यमंत्री जी से वार्ता हम कर ले रहे हैं, वार्ता करके जो भी प्रक्रिया है आप लोग को, आप लोग के विषय में सरकार भी लगी है, हम भी लगे हैं, आप लोग का जल्द ही जो भी जिले की सूचियाँ बाकी हैं वो भी आ जाती हैं और यह जो है सरकार आप लोग का कार्य करेगी। जी, अगर हमें जानना चाहते हैं आपसे, अगर आप सर्वे की रिपोर्ट तो साल पहले ही भेजा गया है, तब तक क्यों नहीं भेजा गया? सर ऐसा है कि यह योजना राजनारायण सिंह की सन 1977 से जो 2002 तक चली है, जो भी कागजाते थे अपने PSC पर या CMO के यहाँ, यह योजना 2002 में बंद हुई, 2019 चल रहा है। डॉक्यूमेंट्स एक एक आदमी को एक एक गांव जा करके और जांच करना है कि कौन जन स्वास्थ्य रक्षक है, कौन मर गया है, कौन असक्षम है, कौन चलने लायक है, कौन नहीं चलने लायक है। यह सरकार ने रिपोर्ट मांगी थी, यह सर्वे रिपोर्टें हर जगह से मतलब लमसम 65 जिले की जा चुकी है, कुछ जिले की और गई हैं, 12 जिले की लमसम हम लोग को जो सूचनाएं हैं वह बाकी है, जो मंत्री जी को हम लोग सूची उपलब्ध कराए थे और फिर हम लोग जा रहे हैं कि कितने जिले की आई है, कितने जिले की नहीं आई है, जाने के बाद पता चले क्योंकि रिमाइंडर चला गया था, गाजियाबाद हो या ये क्या आपको ये क्या आपकी उम्मीदें हैं 12 जिले की रिपोर्टें जाने के बाद भी आपकी मांग पूरा हो जाएगी? मांग पूरा दम हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी से एक बार नहीं, हमारे संगठन के लोग 5-5 बार भी मिले हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग की जो भी फाइल है उस पर हमारी दस्तखत भी हुई है और जल्द ही आप लोग का सरकार संज्ञान लिया है, आप लोग को बहाल किया जाएगा। जो हम लोग लखनऊ यहाँ गोरखपुर गए थे, उनके निजी जो सचिव हैं उनसे भी हम लोग की वार्ता हुई। जयशंकर सिंह जो है प्रदेश उपाध्यक्ष हम लोग के अगुआ हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग मंत्री जी से मिले थे, वो भी दो बार मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं। जो मंत्री स्वाति सिंह है वो भी दो बार मिल चुकी हैं। यह सरकार के संज्ञान में नहीं, मुख्यमंत्री जी के हर चीज़ जो है सचिवालय में जाएंगे, अगर जनस्वास्थ्य रक्षकों का मैटर पूछ देंगे तो पूरे सचिवालय बताने के लिए तैयार है कि जनस्वास्थ्य रक्षकों का मामला चल रहा है। ज्यादा उम्मीद है तो फिर ये उम्मीद है आप लोग को लखनऊ जाने के लिए मिलने के लिए? हाँ, फिर प्रोग्राम है क्योंकि चल रहा है चुनाव, उपचुनाव चल रहा है, उपचुनाव के बाद हम लोग लखनऊ जाएंगे, मिलेंगे या पहली तारीख को हमारी प्रदेशीय मीटिंग है वहाँ कॉमन हॉल में, लखनऊ में दारुलसना सचिवालय निवास में बैठक है इसी से संबंधित, हम लोग बैठक करेंगे। बैठक के बाद हम लोग का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेगा, यदि उनसे बात नहीं हो पाती है तो कैबिनेट मंत्री अतुल गर्ग जी हैं, जय प्रताप सिंह जी हैं और राज्य मंत्री परिवार कल्याण विभाग के अतुल गर्ग जी हैं, इन सबसे हम लोग सचिवालय में पुनः फिर मिलेंगे, अपना स्मरण पत्र भी देंगे जो देते आए हैं पहले से। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि पूरे प्रदेश के लोग आज ठगे जा रहे हैं। कैसे? U2 चला हुआ है, कुछ चैनल है कि क्या है, उस चैनल के द्वारा गलत संदेश दे करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कौन? हमारे प्रदेश में 4-5 ऐसे संगठन चल रहे हैं जो कि जनसंरक्षक नहीं है, वो लोग जो जनसंरक्षक न होते हुए भी इसकी उम्र 30 साल, 25 साल, 35 साल उम्र जो संगठन चला रहे हैं और जबकि लिस्ट मांगी जा रही है तो लिस्ट कह रहे हैं कि लिस्ट चली गई है, जबकि आज भी इतने जनपद की लिस्ट जो है अभी बाकी है और ये लोग कह रहे हैं 75 जनपद की लिस्ट आ गई, लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि ऐसे एक लिस्ट जाने के बाद हम लोग का रोजी रोटी, जो हमारी दुकान नहीं चल पाएगी, दुकान चलाने के लिए गलत संदेश दे करके हमारे जनसंरक्षक भाइयों को गुमराह किया जा रहा है। मैं अपने भाइयों को जो जनसंरक्षक हैं मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि इन लोगों के बहकावे में न आवे, अपनी लड़ाई के लिए, स्वयं लड़ाई के लिए एक अच्छे संगठन के साथ अब जुड़ें और लड़ाई लड़ें। सरपंच व ग्राम सेवक व ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।
जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कोई अधिकारी जांच नहीं कर रहा। उनका कहना है कि सेडवा उपखंड में भ्रष्टाचार ने बहुत लंबे समय से पैर पसार रखे हैं। रंगू देवी नवराम के नाम का टांका कागज हम बोल रहे हैं और यहाँ पर कोई टांका भी नहीं है और वार्ड भी नहीं है, मजदूर हमने देखा भी नहीं है। हाँ, कोई यहाँ पर सुविधा नहीं है। मतलब ये 2016 में टांका स्वीकृत हुआ है, इसके लाखों रुपए का बजट उठा है, तो वो आपको मिला क्या? नहीं मिला, नहीं वो हमारे को मिला नहीं, हमें कुछ देखा ही नहीं है। अच्छा, और मतलब सरपंच ने को आपने अवगत करवाया क्या? नहीं, मतलब ये बहुत ही गंभीर मामला है। यहाँ मतलब रंगू देवी नवाराम के नाम से 2016 में टांका स्वीकृत हुआ है और ग्राम सेवक और सरपंच ने मिली भगत से इनके बजट का गबन किया है, जो यहाँ कम से कम 100 से 150 लेबर भी लगाई है और मौके पे यहाँ कोई भी टांका नहीं है धरातल पे। बहुत ही गबन किया और बहुत ही दयनीय स्थिति है। बीपीएल परिवार है और इनकी कोई जन सुनवाई नहीं हो रही है। बहराइच में पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस अधीक्षक बहराइच डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा पुलिस लाइन में विगत वर्षों में कर्तव्य पालन में दिवंगत हुए पुलिस कर्मियों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। स्मृति दिवस पर नगर पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस लाइन के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।